लाइट के न होने के कारण चांद की रोशनी में करते थे प्रैक्टिस, ओलंपिक में कर दिखाया कमाल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी। खेल के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो प्रकाश स्तंभ की तरह चमकते हैं। वे नाम अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए ही नहीं बल्कि उस खेल के परिदृश्य को बदलने के लिए आज भी रोशन है। उन्होंने खेल का हिस्सा होते हुए न केवल देश के लिए एक शानदार पारी खेली बल्कि देश के लोगों को खेल से जुड़ने के लिए खूब प्रेरित भी किया। ऐसे ही एक महान खिलाड़ी रहे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ऐसा कहा जाता है कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। ध्यान सिंह कैसे बने ध्यानचंद? एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद को ऐसा क्या ऑफर किया कि उन्होंने हिटलर को सबके सामने कह दिया कि भारत बिकाऊ नहीं है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का पर्याय भी कहा जाता है। वे हॉकी का हिस्सा होने के साथ साथ एक ऐसे प्रतीक हैं जिन्होंने खेल को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपने जीवन काल में ही एक सच्चे दिग्गज खिलाड़ी बन गए। 29 अगस्त 1905 को भारत के इतिहास में ध्यानचंद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। हालांकि साधारण परिवार में जन्म होने के साथ ही अपने शुरुआती दिनों से लेकर वैश्विक खेल जगत में एक मशहूर और महान हॉकी प्लेयर बनने तक की यात्रा असाधारण से कम नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीत पक्की में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल रियल लाइफ स्टोरी और आज की स्टोरी है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल जीत पक्की पर नए हैं तो पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं ध्यानचंद के हॉकी के जादूगर बनने तक के सफर के बारे में। इंडिया में हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी उसमें ध्यानचंद का नाम हर किसी की जुबान में आ ही जाएगा। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम है जिसने हॉकी में अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम पूरे विश्व में अमर कर दिया। यूं ही नहीं ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। आप उनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर ने उनकी खेल से प्रभावित होकर उनसे मिलने की इच्छा जताई और उन्हें अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया था। ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनके मैदान में उतरते ही विपक्षी टीम में एक डर सा बैठ जाता था। वे डर जायज भी था क्योंकि मैदान में आते ही वो गोलों की बारिश कर देते थे। सामने वाले को सोचने तक का मौका नहीं देते थे कि उनकी अगली चाल क्या है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल्स जिताए हैं। उन्होंने अपने हॉकी करियर में इतने गोल किए हैं जितना एक व्यक्ति अगर पूरी जिंदगी भी खेलेगा तब भी नहीं कर पाएगा। उनके इसी अविश्वसनीय खेल ने उन्हें पूरी दुनिया में उन्हें बहुत ही कम समय में प्रचलित कर दिया। हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाते हैं। आज हम मेजर ध्यानचंद की जीवन की कहानी के जरिए आपको उनकी जिंदगी के बारे में और उनकी सफलताओं के बारे में बताएंगे। हॉकी के जादूगर की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का एक जरिया है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता समेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर थे। आर्मी के लिए हॉकी खेलते थे। आप कह सकते हैं कि हॉकी इनके खून में ही थी। पिता आर्मी में होने के कारण इनका बार बार तबादला होता रहता था जिससे ध्यानचंद की पढ़ाई 6ठी कक्षा तक ही हो पाई। लेकिन ध्यानचंद ने इस बात का भी कभी हॉकी पर कोई असर नहीं आने दिया। बचपन से ही ध्यानचंद का मन पढ़ाई में कम और हॉकी में ज्यादा लगता था। बचपन में ध्यानचंद अपने दोस्तों के साथ पेड़ की डाली से हॉकी बनाकर और कपड़ों की बॉल बनाकर खेला करते थे। एक बार जब वह अपने पापा के साथ हॉकी का खेल देखने गए तब विपक्षी टीम को हारता हुआ देख बोल पड़े कि अगर मैं इस टीम में होता तो इसका परिणाम कुछ और ही होता। ये बात वहाँ खड़े एक अफसर ने सुन ली और उनको खेल में जाने की अनुमति दी।
और देखते ही देखते ध्यानचंद ने 4 गोल करके वहां के सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उस समय ध्यानचंद की उम्र मात्र 14 साल की थी। उनकी इस अनोखी प्रतिभा को देखकर उन्हें 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती कर लिया गया और फिर तब से वह सेना की तरफ से हॉकी खेलने लगे। दोस्तों, अगर आपको ध्यानचंद की अब तक की स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इससे हमें आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है। ध्यान सिंह से ध्यानचंद बनने के पीछे है मजेदार किस्सा। दिन में आर्मी में ड्यूटी होने के कारण ध्यानचंद रात में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन रात को भी एक समस्या थी, लाइट का ना होना। ऐसे में ध्यानचंद चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, जिस कारण उनके दोस्त उन्हें चंद बुलाने लगे और तभी से उनका नाम ध्यानचंद हो गया। शुरुआती दौर में उनके हॉकी का खेल सिर्फ सेना हॉकी तक ही सीमित था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 21 वर्ष की उम्र में उन्हें हॉकी मैच के लिए न्यूजीलैंड जा रही भारतीय टीम में चुना गया। इस मैच में भारत 21 में से 18 मैच जीता। इन 21 मैचों में भारत ने कुल मिलाकर 192 गोल किए, जिसमें से 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए थे। ध्यानचंद के इस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें लांस नायक के पद में प्रमोशन कर दिया गया। 1928 ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद का कमाल। ध्यानचंद को 1928 में एम्स्टर्डम में हो रहे ओलंपिक में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस समय उनकी आयु मात्र 23 साल की थी। इस मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ध्यानचंद ही थे। उन्होंने भारतीय टीम के द्वारा किए गए कुल 23 गोल में से 14 गोल किए और स्वर्ण हासिल किया। इसके बाद 1932 बर्लिन ओलंपिक में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। 15 अगस्त 1936 को मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इस मैच को हजारों दर्शकों के अलावा तानाशाह हिटलर भी देख रहा था, जो ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुआ कि ध्यानचंद को खाने पर बुलाया और उनको जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन ध्यानचंद ने साफ इनकार कर दिया। ध्यानचंद ने अपने हॉकी जीवन के 22 साल में 400 से ज्यादा गोल किए, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए करना बहुत मुश्किल है। उनके इस अद्भुत कारनामे के लिए उन्हें 1956 में भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि उनके इस करिश्माई खेल को देखकर हॉलैंड में उनकी हॉकी को तोड़कर देखा कि कहीं उन्होंने उसमें कोई चुंबक तो नहीं छिपा रखा है, और जापान में भी उनकी हॉकी का लैब परीक्षण हुआ कि उन्होंने अपने हॉकी में गोंद का उपयोग तो नहीं किया है। इतना अद्भुत खिलाड़ी जो अपने देश के प्रति इतना समर्पित हो, ऐसे लोग सदियों में एक ही बार आते हैं। ऐसे वीरों को हमारा नमन है। प्रेरणादायक सीख जो हमें इस स्टोरी से मिलती है। मेजर ध्यानचंद की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आपको किसी चीज में या किसी फील्ड में एक्सेलेंट बनना है तो आपको अपने काम की प्रैक्टिस बार बार करनी होगी। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या किसी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, ये बात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा प्रैक्टिस करें। भले ही आप अपने खेल में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़ें। और साथ ही ऐसे कई सारे काम होते हैं जिनसे हम तभी बेहतर बन पाते हैं जब हम उनकी प्रैक्टिस बार बार करते हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों, अगर आपको मेजर ध्यानचंद की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश, जुनून और जज्बे से भरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।